ये क्या है? राघव जी, अब आपको धनुष उठाकर इसकी डोर खींचकर इसे तोड़ना है। पर ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप ये शादी सीतापुर में कर रहे हैं। सीतापुर मतलब सीता माता की भूमि। जैसे भगवान श्री राम को सीता माता से विवाह करने के लिए परीक्षा देनी पड़ी थी, उसी तरह आपको सिया जी से विवाह करने के लिए ये परीक्षा देनी होगी। और आप भाई एक मिनट, जैसे सीता मैया के स्वयंवर में राजा जनक ने अनुमति दी थी, वैसे मुझसे यानी कन्या के पिता से तो अनुमति लीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने राजा सूरज मित्तल, क्या अनुमति है आपकी? इजाजत है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। What's wrong with you? तूने अपना काम तो सही ढंग से किया है ना अभिषेक? 100% जिया जी, नो फिक्र। क्या सोच रहे हैं? आगे बढ़िए। राघव जी, अब आगे की बागडोर आपके हाथ में, उठाइए धनुष। देखिए ना, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटे उठाओ। हाँ बेटे उठाओ उठाओ। देख रहा है इन इडियटों को, है? इस देसी फिरंगी को सचमुच का राजा महाराजा समझ रहे हैं। इनको तो पता भी नहीं है कि भाई वो भगवान श्री रामचंद्र जी थे जिन्होंने परशुराम का धनुष तोड़ दिया था। ये इडियट तो इसको हिला भी नहीं पाए। अरे जिया जी, हिलाना तो बहुत दूर की बात है, ऐसा चिपकाया ना मैंने, लड़का खुद हिल जाएगा, लेकिन धनुष को एक इंच नहीं ला पाएगा। देखो जय श्री राम। तो ले लेते बाबा जी का नाम है जी, है जय हो बाबे की। I don't believe this is happening. मेरी शादी में मेरे हस्बैंड की बेइज्जती हो रही। What the hell is going on? क्या है ये? मैं यहाँ अपना मजाक बनाने नहीं आया हूँ, सब लोग हंस रहे हैं मुझ पर। Bro, ट्रस्ट किया था मैंने तुम पर। And तुमने ऐसा किया मेरे साथ? मेरी फियांसे के सामने मेरा ही मजाक बना दिया, वो भी मेरी खुद की वेडिंग में। मेरे लिए सबसे स्पेशल डे को तुमने सबसे वर्स्ट डे बना दिया आकाश। मुझे विश्वास ही नहीं करना चाहिए था, ना तुम पर ना तुम्हारी स्टूपिड वेडिंग थीम पर। भागव जी, मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, आप ये कर सकते हैं।
भगवान श्री राम ने तो इससे हजार गुना भारी धनुष उठाया था सीता जी को पाने के लिए। पता है कैसे? अपनी अपनी इच्छा शक्ति और अपनी चाहत के बदल। राम जी को यह पता था कि अगर वो ये धनुष उठाकर नहीं तोड़ेंगे वो सीता जी से कभी शादी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो गए, उन्होंने धनुष उठाया और अपनी परीक्षा पास की और इसी तरह उन्होंने सीता मैया से शादी की। और मेरा मानना है कि हर आदमी में राम बसते हैं और राघव जी आप में भी राम बसते हैं, तो आप में भी वही इच्छा शक्ति होनी चाहिए जो जो राम भगवान की सीता मैया को पाने के लिए थी। राघव जी आपकी बाजुओं की ताकत का इम्तिहान नहीं है, ये इम्तिहान है आपके प्यार का, आपके प्यार का जो आप सिया जी से करते थे। आप मेरा भरोसा रखिए, आपके और सिया जी के बीच में केवल यह धनुष है, इसे उठाइए और तोड़ दीजिए और कर लीजिए सिया जी से शादी। राघव जी आपको यह करना ही होगा, किसी और के लिए नहीं, अपने प्यार के लिए, सिया जी के लिए। तो उठाइए धनुष और तोड़ दीजिए इसे। Let me call up Mr. Lokesh Gupta right now. देखो तू कितने कॉन्फिडेंस से जा रहा है, उतनी शर्मिंदगी से वापिस आएगा जिया जी, ये देखना। और धनुष तो उठाना बहुत दूर की बात है, इस बार सबके सामने ये सर उठाने लायक नहीं रहेगा। क्या हो गया है, ये चमत्कार कैसे हो गया जिया जी? इस फिरंग लड़के में इतनी ताकत कहां से आ गई? इतनी सॉलिड तरीके से चिपकाया था जिया, मैंने उसने उठा लिया, पूरे के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। एक काम ठीक से नहीं होता उससे जिया, मैंने तो बिल्कुल सही तरीके से चिपकाया था ना। चुप, अब चले यहां से, पतली गली पकड़ ली इससे पहले किसी को हम कर सको। चल चल चल, निकल निकल लो। जी कहाँ है? बताओ। इस वक्त वरमाला की रस्म होनी थी। She was very upset. मुझे लगा अब जब सब कुछ ठीक है तो फाइनली उसे भी अच्छा लगा होगा ये सब देखकर। But I know my daughter, बहुत जिद्दी है। जिया
पूनम जी। आकाश जी आप चिंता मत कीजिए, रिया जी अपने कमरे में ही होंगी, हम अभी देख कर आते हैं। ठीक है। राजकुमारी सिया जी पधार रही हैं। प्लीज गिव मी माय गार्लिंग। आई एम सॉरी, वर्णमाला। आइए। ख्याल आ रहा है, मैं आपको एक बार फिर दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूं। मेरे मन में यह ख्याल आ रहा है कि हम इसी तरह से एक बार फिर शादी करें, इसी तरह रानी बने और मैं राजा, और इन्हीं रस्मों रिवाजों के साथ हमारी शादी हो। और इसी तरह आप भी मुझे वरमाला पहनें। Take some pictures from my mobile. साक्षात राम और सीता जी की जोड़ी लग रही है। चलो, I can't wait to post these pictures on social media. Damn nice, no? Thanks a lot, Akash. I'm feeling so wonderful right now. Thank you so much, Poonam. थैंक यू सो मच आकाश, मैं ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। प्रिया जी आपकी शादी तो ऐसी होनी थी, पता है क्यों? क्योंकि सिया सीता माता का ही दूसरा नाम है। सभी अतिथिगण ध्यान दीजिए, तिलक होने वाला है।
तो तैयार हो जाइए इस यादगार शादी का एक और यादगार रस्म देखने के लिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।